पीडब्ल्यूडी विभाग में टेंडर प्रक्रिया के दौरान जमा कराए गए डीडी गायब होने का मामला सामने आया। टेंडर करने वाले ठेकेदार रोहित कुमार गुना ने विभाग के अधिकारियों पर शक जाहिर करते हुए बताया कि जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के जीर्णोद्धार 42 लाख रुपए का टेंडर विभाग द्वारा निकाला गया था, जिसमें गुना ने ऑनलाइन टेंडर डालते हुए एक्सीएन के चैम्बर में रखे बॉक्स में डीडी डाली थी, उसे नहीं मिली। इस बीच टेंडर किसी अन्य कंपनी के नाम खुल गया, ऐसे में रोहित कुमार गुना ने टेंडर भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाया। पीडब्ल्यूडी सिटी डिवीजन अजमेर का मामला है। इसके अंदर सर 43 लाख का टेंडर था 27 तारीख को, जो ऑनलाइन डलता है, स्क्रीन वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स है सब स्क्रीन होकर डलते हैं, वो मैंने यहाँ पे आके इनके दूसरे दिन सबमिट कराए सब सामने। बॉक्स पीडब्ल्यूडी एक्शन साहब के चैम्बर में से जो बॉक्स था उसके अंदर हमारे सबमिट कर दिया सारे कागज। तो उसके अंदर क्या हुआ कि एक मेरी डीडी मिस बताई जा रही है, उसकी मैंने अपील करके वहाँ पर अपील रजिस्टर में इनको डाक के अंदर दी गई, उसका भी मेरा कुछ नहीं हुआ। और वो टेंडर कल रात को किसी अन्य व्यक्ति के खोल दिया गया, और सिर्फ टेंडर के अंदर एक मेरी और एक जिस पार्टी के टेंडर खुला है उन्हीं के ही दो टेंडर सबमिट हुए, जबकि मैंने ऑनलाइन से डिटेल निकलवाई है तो इसमें 11 ठेकेदार सबमिट हुए थे, किसी ने और किसी ने डीडियाँ वगैरह ये दस्तावेज वहाँ सबमिट नहीं किए थे। सिर्फ एक मैंने और एक कुमार कंस्ट्रक्शन के नाम से है, उसी ने ही ये सबमिट कराया था। कहाँ का टेंडर है ये? टेंडर JNL हॉस्पिटल अजमेर। अच्छा। रिपेयरिंग एंड रिनोवेशन वर्क 43 लाख का टेंडर था ये। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए YouTube पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।